गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सारे बढ़िया होंगे। सो गाइस, ये सीरीज टू है, इसमें हम लोग चेचिस पेंट करेंगे और टैंक वैंक पेंट करेंगे। कैसे है भाई लोग आग के बीच ऐसा में रोक दे रहा है? सो गाइस, हम लोग चेचिस पेंट करेंगे, टैंक पेंट करेंगे और बैक साइड का बैक पैनल पेंट करेंगे। आप लोग कैसे देख के तो आगे से कुछ साइड साइड में खाली लग रहा होगा, साइड वाला समझ में आ रहा होगा कि साइड से फाका है। ऐसे इसका पूरा वाइजर वाइजर सब कुछ खुला हुआ है। चलो अभी आप वहाँ पे जाएंगे जहाँ पेंट करवाना है, वहाँ रुक के आप लोग को दिखाएंगे बाइक का हाल कैसा है। बाकी जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखेंगे वो लोग बस रील चलाई गया होगा कि बाइक देखने में कैसा लग रहा है फिलहाल। तो चलो फटाफट चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे इस पेंट वेंट करवाना है, फिर आप लोग को दिखाते हैं वहाँ पे इसका पेंट जॉब। सो गाइस, देख सकते हो बाइक का लुक फिलहाल अभी कुछ ऐसा ही है, पूरा चारों तरफ से खाली है। यहाँ पेपर वेपर लगाए ताकि पेंट वेंट हो तो इंजन में पेंट ना लगे, और भी कहीं कहीं पेपर लगाना है अभी तो सब भैया आएंगे दुकान खोलेंगे तो पेपर लगाएंगे। कौन है भाई तू? सो गाइस, जब पेंट का काम स्टार्ट हो गया तब से सैंडिंग वैंडिंग का काम चल रहा था और थोड़ा बहुत जो ग्लू व्लू लगा था वो सब रिमूव कर रहे थे भैया, और पेपर ऊपर बहुत बहुत लगाना था कोई की जगह पे तो वो सब हो रहा था। तो फिलहाल अभी पेंट का काम शुरू हो गया, पेंट टेस्ट हो रहा है। ये देखो भाई, ऑरेंज से ब्लैक होना स्टार्ट हो गया। भाई इतना सही हुआ लेकिन बवाल लग रहा है। बोलिए भैया, इतना सही हुआ लेकिन बवाल लग रहा है। थोड़ा सा ब्लैक हो गया, सही लग रहा भाई। फिर कुछ सिनेमैटिक बनाते हैं कुछ भाई। सेट है देखो, फुल ब्लैक। मुझे का तो बवाल लग रहा है, पता नहीं आप लोग कैसा लगेगा। तगड़ा लग रहा है, तगड़ा सही लग रहा है भाई। इधर से ब्लैक पूरा देखो, अभी साइड का बारी है। इस साइड देखो भाई ऑरेंज, और इस साइड से देखो ब्लैक। मेरे तो ब्लैक अब ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि इधर जैसे ऑरेंज देख रहे थे अब ब्लैक देख रहे तो मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को। ऐसे ही मस्त लग रहा है, बोलिए हाफ ऑरेंज हाफ ब्लैक लगता है, मतलब ये अंदर। हाँ, अंदर से ऑरेंज दिख रहा है, बाहर से ब्लैक अच्छा लग रहा है। अब पहचान में नहीं आ रहा कि मेरा ही बाइक है। ऑरेंज कलर तो स्टेडियम का सिग्नेचर कलर है ना। सिग्नेचर है, हाँ पहचान इसका ऑरेंज से, जैसे कावासाकी है ग्रीन से, लेकिन जानते हो भाई यामा का ब्लू है। सॉलिड लग रहा है, सही है, पहचान में नहीं आ रहा, पता है कि मेरा ही बाइक है। रिम भी आपका ब्लैक, रिम भी ब्लैक हो गया पूरा। अभी वाइजर वाइजर लग गया तो सब छुप जाएगा। देखो भाई क्या सही लग रहा है बाइक, कसम से पहचान में नहीं आ रहा कि मेरा ही बाइक है। भाई चेसी का काम तो पूरा कंप्लीट हो गया, सही लग रहा भाई पूरा ब्लैक। ये जो ऑरेंज पार्ट है तो वाइजर से ढक जाएगा, इसे पूरा फुल्स को ब्लैक नहीं किया क्योंकि यहाँ पे चेसी नंबर भी है, पावर कूलेंट का ये सब डब्बा भी है, मतलब उतना ढकना पॉसिबल नहीं था। तो सोचे वो सब छोड़ देते हैं, बस जो मेन पार्ट है जो बाहर दिखेगा वही सब पूरा ब्लैक कर लिया। अब फिर वो वाइजर लग जाएगा तो भाई सही लगेगा वहाँ से। तो चलो अब सब कुछ सिनेमैटिक बना लेते हैं और फिर टैंक का बारी, टैंक और फिर वो सीट के नीचे बैक पैनल जो होता है वो करवाते हैं। सो गाइस, अब टंकी का बारी, देखो भैया टैंक फिट कर रहे हैं यहाँ पे ताकि हिले डुले ना, उस पर जो पानी वानी है वो सब पोछ के डाल रहे हैं। पहले इसका ग्रे कलर था, अभी ये पूरा फुल ब्लैक हो जाएगा, ग्लॉसी ब्लैक। सही लग रहा है, घूमते घूमते पेंट होगा।
सही लग रहा है इधर, ग्रे इधर ब्लैक देखिए सही लग रहा है ना, सही लग रहा है इधर ग्रे उधर ब्लैक मस्त लग रहा है। ये देखो भाई तो साइकिल दिख रहा है मेरा, मस्त लग रहा है भाई। पहला कोट में तो बवाल लग रहा था, अभी और भी कोटिंग बाकी है इसका तो भाई यहाँ पे रखा गया इसको सूखने के लिए। ये पहला कोटिंग है, इसके बाद इसको थोड़ा ड्राई किया जाएगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर इसका इसके ऊपर डबल कोटिंग होगा। तो चलो देखते हैं वो बैक पैनल। तो भाई ये बैक पैनल का बारी है, इस पर जो पानी हल्का हल्का वो भैया सुखा रहे पूछ के उसको, ताकि पानी का ड्रॉप ना बने। ऑरेंज से ब्लैक वो ऐसे भी देखिए मस्त लग रहा है, देखिए ऑरेंज ब्लैक ऑरेंज मस्त लग रहा है ना, एलियन का डेना लग रहा है भैया, बोल रहे एलियन का डेना लग रहा है मतलब वो विंग्स वाला पार्ट। सो गाइस अब सेकंड कोट का बारी, ऐसे भाई ग्लास इफेक्ट मिलने लगा, अभी सेकंड कोट होगा तो फिर तगड़ा हो जाएगा। मेरे को तो लग रहा कंपनी कलर मैच नहीं करेगा इस पर, उससे ही बवाल होने वाला है। मस्त लग रहा भाई, इस पर क्लियर कोट नहीं है लेकिन देखो पूरा ग्लास सीमेंट क्लियर कोट वाला फिनिशिंग मिल रहा है, पूरा चेहरा दिख रहा है मेरा, देखो पता नहीं कैमरा में कैप्चर हो रहा है या नहीं। अब मेरे सबर नहीं हो रहा है, पूरा बाइक फिटिंग होने के बाद कैसा लगेगा। ये देख सकते हो भाई पूरा टैंक में पूरा मेरा चेहरा दिख रहा है, कैमरा का देखो लाइट ब्लिंक कर रहा है, पूरा कहाँ चला इफेक्ट मिल रहा है सही में। देखो भाई यहाँ से पूरा पता चल रहा है, देखो बादल वादल सब कुछ दिख रहा है, पीछे का घर वर दिख रहा है, सही लग रहा है। A1 तगड़ा। ये देखो भाई पेंट गन आपको यहाँ पे देखो भाई, लाइट पे पता चल रहा है पीछे हैलोजन जल रहा है, तगड़ा ग्लेज आ रहा है, तगड़ा ग्लेज सही लग रहा है, सही लग रहा है, ब्लैक मिरर लग रहा है कि पूरा कांच लग रहा है। अब भाई बैक पैनल के बारी, इस पे भी सेकंड कोट हो रहा है, सही लग रहा है भाई कसम से। जब रेडी हो जाएगा तो कैसा लगेगा बस इमेजिन कर रहे। सो गाइस पेंट वाला काम सा कंप्लीट हो गया, मतलब जितना भी पेंट वाला काम था बाइक पर चेसिस वगैरह टैंक का चक्का का बैक पैनल सारा कुछ हो गया। तो इस सीरीज़ में बस इतना ही है, अब इसके बाद वाला सीरीज़ में वो स्टिकर सारा उखाड़ना है साइड पैनल का, फिर उसके बाद स्टिकरिंग करना है नया से। तो चलो ब्लॉग पे पेंट करते हैं, तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट ब्लॉग और ज़्यादा बवाल होने वाला है क्योंकि वो फुल स्टिकरिंग पर रहेगा। तो टाइम देख सकते हो अभी सुबह 10 बजे आए थे, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अब लगभग 5 बजने पर, फिर तो कुछ खाया भी नहीं है। तो चलो अब ब्लॉग पे पेंट करते हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।